आज हम करने जा रहे हैं बुलिश थ्री लाइन स्ट्रोक्स एंड बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स। ये भी स्ट्राइक्स ही है, इट्स नॉट अ स्ट्रोक। बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स एंड बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स। एज यू नो व्हाट मीन्स ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब क्या है, स्ट्राइक का मतलब क्या हो सकता है, क्या करना, एहतजाज करना। स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज को सही जगह पे उसी को कंटिन्यू करना। क्या होता है, यानी कि अगर कोई मसला आ रहा है, फॉर एग्जांपल यानी कि आपका वो ग्रेड स्टेशन के हवाले से आ जाता है, ट्रांसफार्मर सड़ जाता है और आपको एक दिन लाइट नहीं मिलती, तो आप जाकर स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने का मकसद क्या होगा कि आप उसको ठीक करो, जल्दी ठीक करो, टाइम ज़ाया ना करो। कहेंगे बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स एंड बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स। यहाँ पे डेफिनेशन इसकी सबसे पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स। इट्स नॉट अ स्ट्रोक, सॉरी टू से। चलें, ये स्ट्रोक्स है लेकिन हम इसको स्ट्राइक्स पढ़ लेते हैं। बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक इज अ फोर कैंडल बुलिश, क्या है, फोर कैंडल बुलिश कंटिन्यूशन कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कि तीन कैंडल जो हैं आपकी चल रही होंगी बाई में, अगर आप बुलिश में हैं, बुलिश में जाने वाले हैं, तो तीन कैंडल सेल की चल रही होंगी और अचानक से क्या होगा, क्या होगा, एक बाय की स्ट्राइक पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बुलिश की बात कर रहे हैं, तो बुलिश में इसका ट्रेंड और होगा, सेल की स्ट्राइक पड़ेगी। इट फॉर्म्स इन अ बुलिश ट्रेंड एंड इज बिलीव्ड टू सिग्नल द कंटिन्यूशन ऑफ बुलिश ट्रेंड। समझ आ गई है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये फोर कैंडल्स का पैटर्न है और क्या करता है, कंटिन्यूशन पैटर्न को प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक्स है, इसमें क्या कह रहे हैं, बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक इज द फोर कैंडल कंटिन्यूशन पैटर्न दैट फॉर्म्स इन अ बेरिश ट्रेंड, जो क्या होता है, बेरिश ट्रेंड में बनता है। द फर्स्ट थ्री कैंडल्स आर बेरिश, पहली तीन कैंडल जो होंगी वो बेरिश होंगी, वाइल द लास्ट कैंडल इज पॉजिटिव, और दूसरी जो कैंडल होगी वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि बाय की होगी, बुलिश की होगी, एंड क्लोज इज अबाउ द हाइएस्ट क्लोज ऑफ द प्रीवियस थ्री कैंडल्स। और जहाँ पे तीन कैंडल ने, जो तीसरी कैंडल थी यानी कि नीचे से तीसरी जो टॉप के कैंडल थी उसके हाई पे जाके क्लोज होगी, ठीक है, वो स्ट्राइक पड़ेगी, रकावट डाल देगी ना, नहीं 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 आगे नहीं, बदमाशी नहीं चलेगी हैं वहाँ पे, फिर ये होगा। लेट यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये जो हाई है इस हाई तक ही ये है ना, ये जो क्लोज हुआ है इस हाई तक ही है, इसके शेडो तक ही है, उसके बाद क्या हुआ, ये स्ट्राइक पड़ गई, ये स्टॉप लॉस है और नेक्स्ट यू कैन प्रोसीड बाय। अब इसमें ये हो सकता है, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है, ठीक है, अक्सर औकात इसमें ऐसा हो जाता है कि जैसे ये ट्रेंड है आपका कंटिन्यू चल रहा है, यहाँ पे बेरिश स्ट्राइक पड़ी लेकिन उसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप उठेगी, हो सकता है ये यहाँ तक नेक्स्ट कैंडल आ जाए, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़ा है, इसके 110% पे, ठीक है, तो इट मीन यहाँ तक तो आप वेट कर सकते हैं ना, ये स्टॉप लॉस जो पड़ा है, स्टॉप लॉस के प्रोसीजर को हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद इससे हमारा जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो जाएगा और अप ट्रेंड में चला जाएगा। इज इट क्लियर। लेट यू कैन सी थ्री लाइन स्ट्राइक्स है, ये हमारे पास थ्री लाइन स्ट्राइक्स है, यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, क्या हुआ है, यहाँ पे ये देखिए ये तीन कैंडल्स हैं, तीन कैंडल बुलिश की बनी है और उसके बाद क्या हुआ, ये बेरिश आ गया। अब बेरिश आया तो इट मींस क्या हम निकल जाए बाय से, यहाँ से यही होता है ना, सर ऐसा लिट हो गया, आवाज आ रही होती है, सर ऐसा लिट हो गया मेरा, इवन के प्रॉफिट में फिर रहा होता है फिर भी ऐसा लिट हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 110% पे ऐसा लगाएंगे ये कैंडल बनने तक। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस एंट्री में हैं, ऑलरेडी एंट्री में चल रहे हैं, यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है और उसके साथ आप एंट्री में चले जाते हैं, तो आपको ये लास्ट देखना पड़ रहा होता है, तो इस कैंडल के क्लोज होने तक वेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कैंडल, ये लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि अब आपकी एंट्री जो है नेगेटिव में चली गई है, या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इससे निकल जाए प्रॉफिट से, ठीक है, इस कैंडल के वेट होने का इंतजार करें।
या फिर अगर आपको ये फोर कैंडल जो है वो क्लोज होते हुए आपको पता ही नहीं चला तो ये नीचे आके क्लोज हो गई है और आपको लास्ट देखना पड़ रहा है, तो यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल्स। ठीक है, तो इस कैंडल के क्लोज होने तक आपको वेट करना होगा और फिर नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, कहाँ बन रही है, उस कैंडल पे आपने डिसाइड करना है कि अब क्या करना है। लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्राइक बनी और उसके बाद एंट्री लेवल हमारा अप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम मूव हो जाएंगे, तो देन वी आर गोइंग इन प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास बेरिश स्ट्राइक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी पहले तीन कैंडल्स बनी है और उसके बाद क्या हुआ, बाय की कैंडल बनी है। तो इट मींस अगर ये बाय की कैंडल बन गई है, स्ट्राइक बन गई है, तो ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप सिस्टम को ही बंद कर दें। अगर किसी इदारे के खिलाफ हम कंप्लेन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो क्या यही चाहते हैं कि इसको बंद कर दें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं कहते ना। हम कहते हैं जो हमारा मसला है वो रिजॉल्व करो, उस इदारे को बंद नहीं करते और ना ही हम बंद कर सकते हैं, ना करना चाहिए। ठीक है, हम जो स्ट्राइक लगाते हैं वो उस बेस पे लगाते हैं जो हमारा इशू आ रहा है उसको रिजॉल्व करना है। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर इट्स अ स्ट्राइक एंड वी आर गोइंग इन बेरिश ट्रेंड। या बेरिश ट्रेंड में जा रहे हैं या बुलिश में जाना है, क्यों भाई? बेरिश कंटिन्यू होगा, क्यों? क्योंकि पहले जो है हमारा क्या चल रहा है, ट्रेंड बेरिश ट्रेंड चल रहा है और बेरिश ट्रेंड के बाद स्ट्राइक पड़ी है, बुलिश की कैंडल बनी है, बड़ी कैंडल बनी है जो फोर कैंडल पैटर्न के चार्ट को एनालाइज कर रहा है। तो उसके बाद हम किस में जा रहे हैं, बेरिश में जाने वाले हैं। लेट यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास थ्री कैंडल्स हैं और थ्री कैंडल स्ट्राइक है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये स्ट्राइक पड़ी है, ये देखें, लेट यू कैन सी, ये हमारे पास पहले क्या हुआ है, ये स्ट्राइक पड़ी है और उसके बाद ये नेक्स्ट हमारी जो अगली कैंडल बनी है उसने आके इसको एडजस्ट कर लिया, ये कैंडल जो है। उसके बाद फिर ये हरामी बना है, हरामी बनने के बाद ये बुलिश में चली गई है। ठीक है, ये स्पोर्ट पे आ गई है ना, इस लेवल पे आके स्पोर्ट पे चली गई है। ये देखिए, इसके लिहाज से ये स्पोर्ट है ना, इसके लिहाज से ये स्पोर्ट है, तो इट मीन यहाँ पे अगर ये बना है तो ये जो कैंडल होगी इसका मैटर तो नहीं होगा, कलर मैटर तो नहीं करेगी। तो उस वक्त क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में चली गई। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे हमारे पास शूटिंग स्टार बना, ये हमारे पास वो ग्रेव स्टोन डोजी बना और उसके बाद वो आर गोइंग इन प्रॉफिट। यहाँ तक आके फिर हमारे पास क्या हुआ, ये तीन कैंडल पैटर्न है और उसके बाद ये चौथी कैंडल जो है ये थ्री लाइन स्ट्राइक पड़ गई। ठीक है, जब ये स्ट्राइक पड़ी तो उसके बाद देन वी आर आल्सो इन बेरिश ट्रेंड। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक एंड बेरिश थ्री लाइन। यहाँ पे क्या है, थ्री हायर क्लोजेस, यहाँ पे क्या है, ये थ्री हायर क्लोजेस है और उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी स्ट्राइक पड़ी और उसके बाद क्या हो गया, हम बेरिश ट्रेंड में आ गए। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, उम्मीद है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। होप किसमें, ये ट्रेंड बुलिश ही स्टार्ट होगा, ये ट्रेंड बुलिश ही स्टार्ट होगा, अब ट्रेंड में जाएगी जब ये स्ट्राइक पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ये कभी कभी आपको लिक्विडेट करवा देता है। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए दिया है कि इसका एस एल 110% पे होगा। हर मरतबा मार्केट आपके रूल को फॉलो नहीं करेगी, आप जैसे नहीं करते, आप भी तो नहीं करते ना, सही चलते चलते लड़खड़ा जाते हैं, तो सेम मार्केट भी लिक्विडेट करेगी। ये चीज़ आपके सामने लेके आना ज़रूरी है, आपके दिन में ये बात ना हो कि नहीं अब इसने हर हाल में बाय जाना है। हर हाल में बाय नहीं जाना, हर हाल में सेल भी आ सकती है। ठीक है, ट्रेंड को देखना है आपने, यहाँ पे आपका एसएल फिट होना चाहिए, बस एसएल जब हो गया तो उससे फिर हमें कंसर्न नहीं है कि मार्केट कहाँ जाती है। अगर या तो एसएल हिट कर जाए हमारा या फिर हमें प्रॉफिट दे, अगर फेवर में जाती है तो हम एसएल ट्रेल कर लेंगे, मूव कर लेंगे, और अगर फेवर में नहीं जाती तो फिर हम क्या करेंगे, एसएल हिट हो जाएगा, मार्केट से निकल जाएंगे। फिर हमने ये नहीं कि अगर सेल में आ रही है तो फिर हम सेल में घुस जाएँ, ऐसा नहीं होगा, फिर नेक्स्ट एंट्री का वेट करें, वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो आपको सही वक्त का वेट करना पड़ेगा। होप फॉर द बेस्ट।